कैसे आप लोग, क्या हाल चाल, कैसे चल रही पढ़ाई आपकी? मुझे उम्मीद है कि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल फाइल लिखवाया जा रहा होगा। ठीक है, तो क्या आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल फाइल मिल गया? प्रैक्टिकल फाइल लिखाया जा रहा है? कितने प्रैक्टिकल फाइल आपने लिख लिया है, आप उसकी सूचना हमें बता सकते हैं? देखो, एक सिंपल सी काम करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फाइल नहीं पहुँच पाती है या फिर उन्हें कंटेंट नहीं मिल पाता है कि उन्हें क्या लिखना है। तो हम वन बाई वन करके उस फाइल्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि जिन बच्चों तक फाइल का कंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है वो आसानी से लिख सकते हैं। चाहे इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या फिर मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम मैं कर रहा हूँ कि जो भी फाइल्स है ना, वो मेरी फाइल तो है नहीं, वो बच्चे फाइल्स बनाते हैं, वो पीडीएफ भेजते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक फाइल है, फाइल है योगा, योगा योग से संबंधित एक फाइल आपको बनानी पड़ती है आपकी बीएड में। तो उस फाइल का जो कंटेंट है मैं वो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आप दो काम करिएगा, पहली बात कि आपके कॉलेज में, आपके महाविद्यालय में कौन कौन सी फाइल बनाई जा रही है उसका नाम डिस्क्रिप्शन, उसका नाम कमेंट में आप हमें कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने फाइल बना लिया है बच्चों, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, ताकि आपके फाइल का मैं यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि दूसरे बच्चों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आपके महाविद्यालय में अगर योगा के विषय पे, योगा के टॉपिक पे फाइल बनाई जा रही हो, तो उसका कंटेंट मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हम योगा से संबंधित जो भी फाइल है उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसको देखते हैं। लेकिन हाँ, आप अपना फाइल हमें भेजना ना भूलें, और आप कमेंट में बताना ना भूलें कि अगला फाइल किस टॉपिक पे होगा, किस विषय पे आप फाइल बनाना चाहते हैं, किस विषय के फाइल के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर बना सकूँ। ठीक है, तो चलिए पहले योगा को देख लेते हैं कि इस फाइल में बनाना कैसे और लिखना क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर योगा पे फाइल, योग पे फाइल आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे करना है, आपने योग की परिभाषा को समझाया, तो आप यहाँ पे योग का सबसे पहले अर्थ समझाएंगे। ठीक है, कि योग होता क्या है। अब ये क्या है कि मुख्यतः योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से है, जिसका अर्थ होता है कि मिलाना या जोड़ना। अर्थात योग एक ऐसी कला है जो जीवन को भली भांति समझकर उसे परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताती है। योग हमारे जीवन के सभी पहलुओं का विकास करता है। विद्वानों ने योग के अर्थ के संबंध में उनकी परिभाषाएं लिखी है, उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। अब आपको एक चीज़ समझना है दोस्तों, आपको तो फाइल बनाना है, कोई याद तो करना नहीं है, तो ये वो सारे जो चीज़ें हैं वो आपको नेट पे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सिंपल सर्च करेंगे योग की परिभाषा, ये योग का अर्थ, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको फाइल बनाना कैसे, तो इसी तरह आप बनाइएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या, आपने योग का अर्थ बता दिया यहाँ पर और योग की परिभाषा बता दी। तो योग की परिभाषा बताते हुए आपने कुछ रेफरेंस ले ली, जैसे कि महर्षि पतंजलि के अनुसार और भगवद गीता में श्री कृष्ण के अनुसार योग क्या कहा गया है, सत्यम योग उच्यते, अर्थात परमात्मा या जीवात्मा के एकाकीकरण का नाम ही क्या है, योग है। आगे उन्होंने कहा कि योग क्रमशः कौशलम, अर्थात कार्य को कुशलता पूर्वक संभव करना योग है। तो ये कुछ परिभाषाएं आपने दे दी। महात्मा कुछ ऐसी परिभाषा अगर महर्षि पतंजलि के अनुसार हम कहें, तो मन की वृत्तियों को रोकना योग है, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन योग है। तो मतलब ये वो परिभाषाएं हैं जो आप आसानी से लिख सकते हैं, या आपको बिल्कुल गूगल नेट पे भी मिल जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस पेज का आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट में लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और वो टेलीग्राम पे तो भेज ही दूंगा। आगे की पॉइंट देख लीजिए, आपको क्या लिखना है। अगला कुछ और परिभाषा देख लीजिए, योग भाष्य के अनुसार योग क्या है, योग समाधि सच सर्वभौमश्चित्त धर्म, अर्थात योग समाधि को कहते हैं जो कि नित्य का सर्वभीम धर्म ये बच्चे ने लिखा है। ठीक है, तो आप आराम से ये जो भी आपका परिभाषा है आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे कुछ और परिभाषा है, स्वामी शिवानंद सरस्वती के अनुसार, डॉक्टर सर्वपति राधा के अनुसार, उन्होंने कहा था कि योग वह पुरातन पंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाता है। ठीक है, योग, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, कुछ परिभाषाएँ लिख ली योग के। अब आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन वाला आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कि कहा जा सकता है कि योग एक ऐसा साधन है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। योग करने से मन एकाग्र रहता है, चित्त की चंचलता नियंत्रित होती है, मतलब मन विचलता नहीं है। इसके द्वारा व्यक्ति पाप के कर्मों को करने से बचता है तथा अपने मन को शुद्ध रखकर पुण्य कर्म करने की ओर
क्या करता है बच्चों, बढ़ता है। और योग क्या है, योग एक ऐसा उच्च कोटि का साधन है जो व्यक्ति को ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जिसके बल पर व्यक्ति प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक, उसके पश्चात उसके समक्ष एक समय आता है जब व्यक्ति अनंत शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिला जुला के आपको योग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, जहाँ से योग को एक्सप्लेन किया गया। और नेक्स्ट ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूँ कि यह योग ही है जो व्यक्ति को जीवन समझने का ज्ञान प्रदान करता है। इससे व्यक्ति को प्रत्येक सफलता प्राप्त होती है, वह कठिनाइयों में हंसते हंसते विजय को प्राप्त करता है। ये सारी चीज़ें जो योग के बारे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस प्रकार योग एक साधन है जिसको करने से व्यक्ति अपने जीवन में सुखी, संतोषी, एकाग्रित बनकर दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकता है। वो अपने जीवन के लक्ष्य मोक्ष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपने योग के बारे में लिख दी, ठीक है। अब आपको आगे क्या लिखना है योग के बारे में, अब आपको आगे चलना है और योग के कुछ आसन दिखाने हैं कि कौन कौन से योग आसन होते हैं और उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और अगर फाइल बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस योग आसन का आप फोटो निकाल के चिपका लें, इससे फाइल आपकी और खूबसूरत होगी। अगला आपने हेडिंग डाल दिया योग के लक्ष्य। योग के लक्ष्य क्या हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं। योग का प्रथम लक्ष्य है कि शारीरिक अंग प्रत्यंगों की वृद्धि तथा विकास के मार्ग प्रशस्त करना। आप लिख सकते हैं या फिर आप इसको योग के लाभ में भी लिख सकते हैं। योग करने से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं। योग मानसिक बीमारियों जैसे भ्रम, तनाव, अशांति, अनिद्रा आदि को दूर करने में सहायता करता है। शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाना, संवेगात्मक रूप से मन को स्थिर करके इमोशनली आपका मन स्टेबल करता है, ठीक है। व्यक्ति के आचरण का सुधार करना, उसे नैतिक और चरित्रिक रूप से सफल बनाना, इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है इसके बारे में सेल्फ कंट्रोल करना, और व्यक्ति की स्वावलंबी बनता है, मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य रहे तो स्वावलंबी बनेगा, तथा कार्यों को पूर्ण रूप से करने में सहायता प्राप्त करना। ये सारे क्या हो गए, योग के लक्ष्य हैं। आपने दूसरे पेज पर योग के बारे में कुछ योग आसन आपने यहाँ पे उसकी फोटोज चिपका दी हैं, ठीक है। योग के लाभ में भी बस बात वही है, भजन पूजा पाठ स्वास्थ्य मन के लिए उपयोगी है, प्राणायाम अभ्यास के लिए विशेष उपयोगी आसन है, चित्त स्थिर होता है, मन बढ़ता नहीं है, चंचलता मन स्थिर रहता है, चंचलता से इंसान बचता है, पद्मासन के आभास से कब्ज यानी कि कुछ कुछ जो बीमारियाँ होती हैं वो ठीक होती हैं, घुटने पैरों जांघों हड्डियों में क्या होता है शक्ति आती है, अनेक प्रकार की बीमारियों ठीक होती हैं। ये योग के लाभ, आप पॉइंट पॉइंट बस ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपने स्क्रीनशॉट लिया, मैं भी बताऊंगा, चलिए आप भी पहले एक बार देख लेते हैं क्या कहना है। अच्छा एक पॉइंट आता है योग का इतिहास, आप इस तरीके से योग के इतिहास में देख सकते हैं कि योग कहाँ से शुरू हुआ, योग कैसे यहाँ तक आए। तो योग के इतिहास में आप मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ योग के बारे में कहा गया है। जैसे अगर हम प्राचीन शास्त्रों की बात करें कि कहाँ पे योग के बारे में वर्णन किया गया है, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, पंचली योग सूत्र, हठ योग, प्रदीपिका, शिव संहिता, और जैसे यजुर्वेद की में अध्ययन में एक के एक पाँच तक मंत्र योग हैं, वेदकांड में प्राण की विद्या का विवरण, गरुड़ पुराण में ध्यान योग, अग्नि पुराण में क्रिया योग, और यम निर्मदा अष्टांग योग। तो ये वो सारी चीज़ें योग के इतिहास के बारे में आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। देखो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पता योग के बारे में, तो मैं अपने राय यहाँ पे नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। योग के प्रकार के बारे में बात कर लें, योग के प्रकार के बारे में मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सत्य राजतम, उपासना योग, ध्यान योग, कर्म योग, ठीक है। तो ये योग के प्रकार में आप लिख सकते हैं। मंत्र योग फिर आपने एक्सप्लेन कर देना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता चलूँ, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतिहास से, करेक्ट। योग के लाभ, चलिए योग के लाभ से अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ओके। चलिए तो आप यहाँ से योग के लाभ के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके डन। योग के इतिहास के बारे में अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो आप दो दो स्क्रीनशॉट योग के प्रकार अलग ले लीजिए। अब वन बाय वन आपको इसको एक्सप्लेन कर देना, ये सारी चीज़ें आपको नेट पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मंत्र योग में, मंत्र योग में मंत्र से ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, मंत्र शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है, मंत्र से एक साधक जप का प्रयोग करता है, मंत्र जय में तीन घटकों का काफ़ी महत्व है, घटक उच्चारण, लय व ताल तीनों का सही अनुपात मंत्र शक्ति को बढ़ा देती है। मंत्र जय मुख्य रूप से चार प्रकार के किए जाते हैं, वाचिका, मनसिका, उपांशु और अपेडा। तो ये आप इस तरीके से इस योग के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों।
हट योग के बारे में, आप हट योग के बारे में इसक्रीन शॉट ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको जनरली लिखना है योग के बारे में, ठीक है? तो आपको लिखना स्क्रीन शॉट चाहिए तो बस आप लिखते जाइएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लय योग देख लेते हैं, लय योग और राजयोग, ठीक है? तो राजयोग के बारे में आप स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं पढ़ता चलूँ थोड़ा सा। चित्त को अपने स्वरूप विलीन होना या चित्त की निरुद्ध अवस्था के अंतर्गत आता है। साधक के चित्त में जब चलते बैठते सोते और भोजन करते समय हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे, इसी को लय योग कहते हैं। वाह, मतलब लय, मतलब लय में लग जाना, लीन हो जाना भगवान की भक्ति में, कितनी अच्छी बातें लिखी गई यहाँ पे। राजयोग, राजयोग सभी योगों का राजा कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार की योग कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन आता है। राजयोग विषय में चित्त वृत्तियाँ निरोध करना और राजयोग आठ योग आठ अंग है, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना, जैसे मन की चंचलता को रोकना। कौन कौन से आठ हैं भैया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है? ये जो राजयोग का अब एक एक को बताया गया है, आप ये आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, प्राणायाम के बारे में हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पूरा योग ही खत्म हो गया, मतलब ये पूरी वो फाइल थी जिसको आपको लिखना है। सो आप इसको आप आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? सो क्या करा जाए, इस वीडियो को समाप्त किया जाए, क्योंकि हो गया, बस काम हो गया और क्या ही करना था। चलिए एक बार मैं शुरू से ऊपर से दिखा देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट जिन बच्चों को लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज जो टेलीग्राम में उनको मैं तुरंत भेज देता हूँ, जैसे ही अपलोड होगा तुरंत आपके टेलीग्राम में भेजा मिलेगा, व्हाट्सएप पे भी भेजा मिलेगा, ठीक है? बाकी अगला आपको, अच्छा मैं बात करूँ उससे साथ साथ पीडीएफ भी दिखा, वो स्क्रीनशॉट भी दिखाता चलो, केवल बात करने से नहीं। अच्छा चलिए, साफ तो आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट से काम चल जाएगा, उम्मीद चल जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका ये हो गया आपका पहला स्क्रीनशॉट, ठीक, और ये रहा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलिए ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि साथ ही साथ अगर आपने किसी विषय का फाइल बनाया है तो प्लीज़ वो मुझे भेज दीजिएगा ताकि यहाँ पे शेयर किया जाए, तो और भी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। चौथा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप चाहे तो इसको गूगल से डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। पाँचवा स्क्रीनशॉट आप उसको ले लीजिए, और आप हमें कमेंट भी बताइएगा कि आपके स्कूल या महाविद्यालय में कितने फाइलें बनाई जा रही हैं, कौन कौन विषय पर फाइलें बनाई जा रही हैं, ठीक है? आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आप लिख सकें, ओके। योग के लाभ लिख लिया आपने। अच्छा एक सवाल योग से ज़रूर पूछा जाता है, तो ये अगर आप फाइल आप लिखेंगे ना, खुद से लिखिएगा, ठीक है? खुद से ज़रूर लिखिएगा, इससे ना आपको एग्ज़ाम में लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो खुद से ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो योग से एक सवाल आता भी आता है आपके, ओके। कितना कुछ करना पड़ता है आप लोगों के लिए, वाह। ओके, आपने ये ले लिया, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा आपका। चलिए समाप्त हो गया। सो धन्यवाद, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, समाप्त करते हैं। कमेंट में बताइए कि कौन सा फाइल आपको लिखना है, मैं बनाता हूँ आपको, आपके लिए करता हूँ कुछ, डोंट वरी। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें वीडियो को, नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कॉलेज ग्रुप में सीधा भेज दीजिए और कहिए देख लेना सब लोग, ठीक है? चलो क्या, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, सब बखैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।